फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता किचन। आज हम लोग बनाएंगे मूंग की बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट वाली ये सूप, इसको सलाद बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड है और इसमें काफ़ी प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता है। तो मैं इसको बनाऊंगी बिना मसाले और ऑयल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। आप इसको सूप बोल सकते हो, सलाद बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही आप दाल के तरह खा सकते हो। कंप्लीट मील है। तो इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक पैन में ओवरनाइट वॉश किए हुए मूंग को डाल देना है। मूंग को डालने के बाद इसमें 2 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसमें चॉप किए हुए अनियन डाल दीजिए और टमाटो डाल दीजिए। मैंने यहाँ स्लाइस वाला डाला है, आप कोई भी फॉर्म में डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद मैं यहाँ पे अगेन स्लाइस्ड जिंजर डाली हूँ और गार्लिक डाली हूँ। इन दोनों को डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से सिंपल से वेरी बेसिक से मसाले, जैसे हो गया हल्दी। इसमें डालेंगे नमक, नमक भी डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और फिर उसमें डालेंगे क्रश्ड किए हुए ब्लैक पेपर पाउडर और इसको मिक्स करके जस्ट कवर कर देना। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, ये उबाल आ जाए अच्छी तरह से, ये पूरा पक्के रेडी हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। फिर इसको एक स्पून से लेके धीरे धीरे चलाते हुए इसको मैश कर लेंगे। इसको आप ग्राइंडर में इसको पेस्ट भी बना सकते हैं और फिर इसको स्ट्रेन करके पतला सूप जैसा भी कर सकते हैं। पर मैंने इस तरह से ही, खाने से क्या होता है, इसके फाइबर और न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट रहती है। तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कोरिएंडर और लेमन जूस और इन्जॉय करेंगे, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।